Hello everyone, myself Pankaj. Today we will cover the next part of the Turing machine. As we covered in the last video, the basic introduction of Turing machine. Today we will discuss the tuples used in Turing machine. तो आप सब लोगों को पता ही है, फाइनाइट ऑटोमेटा हो या PDA हो या ट्यूरिंग, अभी तक तो दो पढ़े हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा या PDA. हम सब में क्या कहते हैं, टपल्स यूज करते हैं. टपल्स मीन्स इसमें हम इसको डिस्क्राइब करते हैं क्या क्या चीजें यूज होती हैं. तो ट्यूरिंग मशीन ऑल्सो यूज डिस्क्राइब बाय 7 टपल्स. सो व्हाट आर दोज 7 टपल्स, वी विल डिस्कस इट राइट नाउ. ओके, देयर हमने आप फाइनाइट टर्म पढ़ा था कि वहां पर क्या 5 टपल्स यूज होते थे. फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 टपल्स होते थे, बाद में हमने देखा था किसी में 6 आ रहे थे बाद में. और यहां पर जो ट्यूरिंग मशीन के अंदर आता है वो 7 आता है. 7 कौन कौन से, क्यू एक्स एक्स को कई बार आपको टी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना जो भी अगर इनमें आ जाए. सिग्मा ट्रांजिशन फंक्शन डेल बोलते हैं, क्यू नॉट ये बी बी जो आपके लिए होगा ये वाला एक एकदम आपके न्यू है. ठीक है, ये आपके लिए न्यू है जो भी बताते हैं क्या है. और एफ, बाकी सिंबल्स आप फैमिलियर हो, आपने पढ़ा हुआ है, चीजें देखी हैं, लेकिन बी जो सिंबल है ये आपके लिए होगा. चलो एक एक को देखते हैं कि ये किस चीज को डिफाइन करता है, एक बार आपका रिकॉल रिविजन हो जाएगा. क्यू क्या होता है, क्यू इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, यानी कितने भी फाइन स्टेट्स हो, जैसे क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू सो ऑन, जितने भी स्टेट्स होंगे हमारे पास वो सब क्या होंगी, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होगा जिसको क्यू से डिनोट करते हैं. एक्स, एक्स इज द टेप अल्फाबेट. टेप अल्फाबेट ये आपके लिए, ये भी न्यू है. टेप अल्फाबेट हमने कल पढ़ा था उसमें लास्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, ये तो टेप है. ठीक है, अब इन टेप के अंदर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल से, इनको हम क्या बोलते हैं, सेल. ठीक है, ये भी क्या है, सेल, और ये भी क्या है, सेल. सेल के अंदर जो सिंबल्स होते हैं जैसे ए बी सी, इनको हम डिनोट करते हैं एक्स से. ठीक है, समझे. तो ये जो इनफाइनाइट टेप है ये वाला, इनके अंदर सेल है, और सेल के अंदर क्या इंसर्ट कराते हैं हम, सिंबल. तो वो जो, और इन सिंबल्स को क्या बोलते हैं, टेप अल्फाबेट्स, और टेप अल्फाबेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से. क्लियर. सिग्मा, सिग्मा आपका पता ही है, सिग्मा इज द इनपुट अल्फाबेट. इनपुट अल्फाबेट यानी ए बी सी. ओके, ए बी सी कुछ भी, ए आप जो भी आपके इनपुट अल्फाबेट ए बी सी या जीरो वन जो भी आप इनपुट्स लेते हो वो सिग्मा कंप्लीट करते हैं, सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स. ट्रांजिशन फंक्शन आपको पता ही है कैसे ट्रांजिशन फंक्शन है, किसी भी एक स्टेट पर स्टेट कौन सा क्यू में से, क्यू क्या है, सेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है. और इसे जैसे कोई भी स्टेट मान लो क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू है, और इसके बाद हमारे पास इनपुट सिंबल ए और बी है, तो हम ट्रांजिशन फंक्शन कैसे निकालते थे, क्यू नॉट पर इनटू किसी भी इनपुट फंक्शन पर ए. तो ये ट्रांजिशन फंक्शन इस तरीके से हमने जैसे पहले निकाला, सिमिलरली इसको भी ऐसे करना है. क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट. ठीक है, अब आता है बी. बी इज द ब्लैंक सिंबल. अब यहां पर ब्लैंक क्या है, ब्लैंक को समझना होगा. ये हमारा, अब देखिए इसको समझते हैं, ये हमारी टेप लेंथ है, इनफाइनाइट कितनी भी हो सकती है, इसमें हमें पता नहीं है डॉट डॉट डॉट. अब हमारे पास इनपुट सिंबल्स मान लो ए बी सी है. ठीक है, अब ए बी सी तो फिल हो गए, ए बी कर दिया जितना भी करना है. अब इसके अलावा जहां पर कुछ सेल में अगर कोई भी सिंबल नहीं है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल ट्राइंगल की तरह से. ठीक है, इसको डेल्टा भी बोल सकते हैं, डेल जो ट्राइंगल शेप में है बोल सकते हैं. तो ये क्या होता है, इसको हम जो बोलते हैं ब्लैंक कैरेक्टर या ब्लैंक सिंबल, इसको बोलते हैं ब्लैंक सिंबल. ओके, अब देखिए ब्लैंक सिंबल. और एफ इस क्या होता है, एफ इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट. ठीक है, एफ क्या होगा, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स का. ये हमारे टपल्स है जो हमने देख लिए. अब देखते हैं बेसिक मॉडल्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन. बेसिक मॉडल्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन पढ़ते हैं एक एक करके, इसके चार स्टेप्स हैं, इसे वर्क कैसे करता है थ्योरेटिकल देखते हैं, फिर इसको नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इसको कैसे ऑपरेशन होता है इनमें क्या है, इन टेप के अंदर. द इनपुट टेप इज हैविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स, ईच सेल कंटेनिंग वन इनपुट सिंबल, द एम्प्टी स्टेप फिल्ड बाय ब्लैंक कैरेक्टर. वही बात है, इनपुट टेप हैविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स में हमने इसे ड्रॉ कर दी ए बी सी ए बी बी कुछ भी, और जो एम्प्टी है ये एम्प्टी है उनको हम क्या करते हैं, ब्लैंक कैरेक्टर से, ब्लैंक कैरेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं.
जो सॉरी आपने देखा नहीं होगा, यहाँ पे ए जैसे हमने एक सेल बनाई और इसमें अंदर इनपुट सिंबल्स या ए बी सी कुछ भी फिल कर दिए। अब जो ब्लैंक स्पेसिस है इसके अंदर, ये जो है ब्लैंक स्पेसिस है, चाहे यहाँ पर भी हो सकता है यहाँ भी, और इनको हम इससे फिल कर देते हैं, बोलते हैं ब्लैंक करेक्टर्स। इनको क्या बोलते हैं? ब्लैंक करेक्टर्स, ठीक है। तो जो एम्प्टी टेप होता है उसको क्या कहते हैं? फिल किससे कहते हैं? हम ब्लैंक करेक्टर से। ओके, फिर क्या द फाइनाइट फिर क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट? द फाइनाइट कंट्रोल एंड टेप हेड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग द करंट इनपुट सिंबल। अब देखो एक एक लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो फाइनाइट कंट्रोल एंड टेप हेड, अब देखो जो टेप हेड मैंने आपको बताया था, टेप हेड इसको बोलते हैं, है ना, और टेप हेड को ही बोलते हैं कि सर फाइनाइट कंट्रोल, ठीक है। फाइनाइट कंट्रोल का रोल अलग होता है, मैं आपको अलग से इसके वीडियो में इसका फाइनाइट कंट्रोल का बताऊंगा, क्योंकि स्टेट्स वगैरह काफी होल्ड करता है इसी के अंदर होता है। तो अभी तो आप ये देख लीजिए, इसी को बोलते हैं फाइनाइट कंट्रोल और टेप हेड, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग द करंट इनपुट सिंबल। यानी ये अगर जिस सिंबल पर होगा तो उसको रीड कौन करता है? फाइनाइट कंट्रोल, ये टेप हेड, ठीक है। और जैसे ही रीड करेगा टेप हेड मूव टू द लेफ्ट और टू राइट, या तो लेफ्ट मूव करेगा या राइट, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो ट्यूरिंग मशीन के अंदर होता है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड किसी भी साइड मूव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर पॉइंट देखेंगे, जो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स थ्रू मशीन हैज टू अंडरगो। तो इसमें क्या होगा? मशीन क्या होता है? फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स के जो, जैसे जैसे ये टेप हेड होता है मूव करता जाएगा, अलग अलग स्टेट्स में ये चेंज होता जाएगा। ये जो कैसे चेंज होता है ये हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ऑपरेशन, इसको ऑपरेशन ऑफ टेप नाम से वीडियो होगा, जिसमें एकदम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे मूव करता है, ठीक है। फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड एक्सटर्नल सिंबल विच आर यूज इन बिल्डिंग द लॉजिक ऑफ ट्यूरिंग मशीन। फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड एक्सटर्नल सिंबल मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया था ये सेल लिया ए बी ए बी सी ए बी सी, ये ब्लैंक सिंबल्स कर दिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? एक्सटर्नल फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड एक्सटर्नल सिंबल्स। अब जैसे एरो हेड ये आता है, टेल हेड है, ये क्या करता है? पहले इसको रीड करता है और इसको कन्वर्ट करता है, हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, कन्वर्ट करके इसको कैपिटल एम ए कर देगा और फिर ये मूव हो जाएगा नेक्स्ट पर, और फिर इसको कन्वर्ट कर देगा बी पर, जो इनके इसको एक्सटर्नल सिंबल्स वगैरह भी बोलते हैं, मैंने वहां पर भी आपको बताया था। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है और स्टेट चेंज होती जाती है और ये टेल हेड मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, या तो लेफ्ट में मूव करेगा या राइट में मूव करेगा, स्कैन करेगा और स्कैन करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है और मूव क्या कर रहा है, ये हमें दोनों चीजें करनी, साइड एक हमें साइड लिखना होगा कि लेफ्ट या राइट, और क्या कहते हैं मूव, और जो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, प्रोड्यूस एक्सटर्नल सिंबल, जो यहाँ पर ए है तो कैपिटल ए, बी है तो कैपिटल बी। इसको और अच्छे से मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला इसका जो पार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसका नाम होगा ऑपरेशन ऑफ टेप करके नाम से बनाएंगे, उसमें इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आएगा, जहां पर हम क्या ट्रांजिशन भी देखेंगे अच्छे से कि ट्रांजिशन कैसे होता है, स्टेट्स कैसे बदली जाती हैं और उनको लिखा कैसे जाता है, ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस अभी इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।